हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियो नंबर 11। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 10, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब समझा था, हम लोगों ने बात करी थी कि सर 5-year प्लान्स कब शुरू हुए थे, फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था वो हम लोगों ने बात करी थी। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी कि सर जो 12 5-year प्लान्स आए उसमें से हम लोगों ने कुछ 5-year प्लान्स को लिया था और उन 5-year प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स और फोकस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने बात करी कि सर जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1951 से लेकर 1991 तक की, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स क्या क्या थे। उसमें हम लोगों ने बात करी, 5 फीचर्स देखे थे। पहला फीचर था कि सर प्रायोरिटीज़ टू पब्लिक सेक्टर, सेकंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, थर्ड हम लोगों ने बात करी थी कि प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फोर्थ हम लोगों ने बात करी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और फिफ्थ हम लोगों ने बात करी थी प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जो टॉपिक्स जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टॉपिक्स बहुत ईजी है और उनका जो कंसेप्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, वीडियो नंबर 11। देखिए आज जो टॉपिक है वो क्या है कि सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड बट डिफरेंट कंसेप्ट। जैसे हम लोग बात करते हैं ना सर, हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट जनरली साथ में यूज़ करते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं है, हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर रही, हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर रही, कंट्री की ग्रोथ इतनी है, कंट्री में डेवलपमेंट इतना है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जनरली रिलेटेड होते हैं, ध्यान से समझना। जब हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, लेमेंस लैंग्वेज में कहूँ तो हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही मानते हैं। हम लोग यही मानते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही तरह की चीज़ें हैं। जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर तो हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट वैसे तो हम एक ही चीज़ मानते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, बट रिलेटेड है पर उनका कंसेप्ट अलग है। तो देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रोथ की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ग्रोथ में क्या आता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ सस्टेन्ड राइज इन GDP। ग्रोथ मतलब क्या होता है कि GDP जब इंक्रीज होता है, जब GDP बढ़ता है तो उसे बोलते हैं ग्रोथ। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर GDP में एक सस्टेन्ड राइज होता है, सस्टेनेबल राइज होता है, जब GDP धीरे धीरे बढ़ता है तो वो जो सिचुएशन कहलाती है वो सिचुएशन कहलाती है ग्रोथ की। जब हम लोगों का GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब इकोनॉमी में हमारा GDP धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो जो GDP बढ़ रहा है वो कहलाता है ग्रोथ। देखिए क्या बोला है, अ सिचुएशन ऑफ सस्टेन्ड राइज इन GDP ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक जब हमारा GDP बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। जब ब्रिटिशर्स की बात करें, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए, उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी में इकोनॉमी थी वो बिल्कुल हम बात करें स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो चुकी थी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी स्टैग्नेंट हो चुकी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी हो चुकी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर ग्रोथ या तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं है या फिर ग्रोथ है बट बहुत लिमिटेड है। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो चुकी थी। अब जब आज की तारीख की हम बात करें 2020 में, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। हमारे जो इकोनॉमी है वहाँ पर क्या हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ग्रोथ होने का मतलब हमारा हर ईयर जो GDP है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन देयर इज अ सस्टेन्ड राइज इन GDP इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ ग्रोथ। जब GDP धीरे धीरे बढ़ेगा, जब GDP में एक सस्टेन्ड राइज आएगा तो वो जो सिचुएशन कहलाएगी, दैट सिचुएशन विल बी नोन एज अ सिचुएशन ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोला है, इट लीड्स टू अ राइज इन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। और जब ग्रोथ होती है इकोनॉमी में तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होता है, लोगों का जो वेलबींग है, लोगों का यू कहें कि सोशल आउटलुक है, लोगों का जो सोशल यू कहें कि आउटलुक हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लोगों का सोशल वेलबींग चेंज हो रहा है, लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है। तो हो क्या रहा है, जब ग्रोथ होती है इकोनॉमी में तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होने लग जाता है, चेंज। अगर हम बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो क्या आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से आज हम जो हमारा आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो आज हम लोग रह रहे हैं, आज हम लोग हमारा जो रहन सहन है, आज हम लोगों का जो यूँ कहें कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम लोगों का जो यूँ कहें कि खाने पीने के तरीके हैं, हम लोगों के कपड़े रहन सहन की बात करी जाए, हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्या वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी पॉपुलेशन थी, क्या उस पॉपुलेशन का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा ही रहा होगा क्या? नहीं।
जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है ना तो लोगों के पास में इनकम बढ़ती है, और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पर जो उनका एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाता है। तो जब ग्रोथ होती है इकोनॉमी में तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ? देखिए डेवलपमेंट मतलब होता है कि रेफर्स टू ग्रोथ विथ इक्विटी, ग्रोथ होगी पर विथ इक्विटी एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। देखो ग्रोथ में तो हम लोगों ने बोला कि सर सस्टेन राइज इन जीडीपी, जब जीडीपी बढ़ रहा है तो हमारी इकोनॉमी में हम बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि सर ग्रोथ के साथ क्या होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी आपको याद है हम लोगों ने इक्विटी कहाँ पढ़ा था, जब हम लोगों ने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखे थे तब हम लोगों ने फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करी थी कि इक्विटी। तो ग्रोथ किसके साथ होनी चाहिए, इक्विटी के साथ में, एज वेल एज स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आना चाहिए। अब ये इक्विटी और स्ट्रक्चरल चेंज, इक्विटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं एक बार वापस आपको याद दिला देता हूं। इक्विटी मतलब क्या हुआ, इक्विटी इंप्लाइज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सच दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सर इक्विटी मतलब हुआ कि जो इनकम है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो जिसका जितना हक है उसे उतनी इनकम मिल रही हो। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी लॉस वाली सिचुएशन में नहीं जाए, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सबके लिए। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इनकम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो सारे सेक्शंस को मिले। ऐसा नहीं हो कि ग्रोथ का बेनिफिट सिर्फ रिच सेक्शन को मिल रहा है, पुअर सेक्शन अभी भी ग्रोथ के बेनिफिट से वंचित रह रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आई बात समझ में? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बात आती है स्ट्रक्चरल चेंज की। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने, आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि सर हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां हम लोगों ने बात करी थी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और अनबैलेंस ग्रोथ, ये वाले टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता दूं तो हमारी इकोनॉमी में तीन तरह के सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करी जाए तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में हमारी जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो एंगेज थी किसमें, एग्रीकल्चर के अंदर। एक हमारी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इट वॉज नियर अराउंड 72% पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर। तो सर सिंपल सी बात है कि जीडीपी में जो सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा था, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर थे वो अपनी इन्फेंट स्टेज में थे डेवलपमेंट के अंदर। अब ये चीज़ समझना, मेन चीज़ क्या आती है कि सर जब डेवलपमेंट हो ना तो तीनों सेक्टर के बीच में जो ग्रोथ है वो बैलेंस होनी चाहिए, तीनों सेक्टर एक साथ एक जैसे क्या होने चाहिए, ग्रो होने चाहिए। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा था जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स अपनी इन्फेंट स्टेज में थे डेवलपमेंट की। अब बात क्या आती है कि सर जैसे जैसे डेवलपमेंट हो, जैसे जैसे ग्रोथ हो ना, तो स्ट्रक्चरल चेंज भी होना चाहिए। मतलब कि सर शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी शुड ग्रेजुअली राइज। जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है उनका जो जीडीपी में शेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए। सर मेरे लिए एक सिंपल सी चीज़ मुझे ये समझ में आई है कि सर जैसे 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 इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी वैसे वैसे हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर थे जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस काफ़ी पीछे थे, या यूँ कहें कि उनका जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो काफ़ी कम था, तो हम चाहते हैं कि जब इकोनॉमी में ग्रोथ हो तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर क्या करें, ग्रो करें। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो, धीरे धीरे इंक्रीज हो। और साथ में प्राइमरी सेक्टर का जो सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी जो सेक्टर था हमारा उसका जो सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर आप एक बिल्कुल क्या करिए, प्राइमरी सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दीजिए। हम लोग, हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि हम प्राइमरी सेक्टर को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारा इंटेंशन क्या है कि सर प्राइमरी सेक्टर के साथ में जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है उसमें भी ग्रोथ आए। आई बात समझ में? हमारा इंटेंशन क्या है कि सर हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हैं और टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों जो सेक्टर हैं ये तीनों क्या करें, एक साथ ग्रो करें। ऐसा नहीं हो कि हमारे जीडीपी के अंदर ऐसा नहीं हो कि जीडीपी के अंदर हमारा केवल प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा हो, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करे वैसे वैसे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो इंक्रीज हो धीरे धीरे,
और प्राइमरी सेक्टर का जो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो। हम ये चाहते ही नहीं है कि सर बिल्कुल प्राइमरी सेक्टर हट जाए, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाए। हम ये चाहते हैं कि तीनों सेक्टर क्या करें, इक्वली कंट्रीब्यूट करें जीडीपी में, और तीनों सेक्टर क्या करें, ग्रेजुअली राइज करें। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, स्ट्रक्चरल चेंज रेफर्स टू शिफ्ट इन सेक्टरल शेयर इन जीडीपी, शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी शुड ग्रेजुअली राइज एंड शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर शुड ग्रेजुअली फॉल। आई बात समझ में? हम लोगों ने अभी तक जो भी चीज पढ़ी है, ग्रोथ का मीनिंग पढ़ा, डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ा, डेवलपमेंट में बोला था ग्रोथ विद इक्विटी एज वेल एज स्ट्रक्चरल चेंज, तो हम लोगों ने इक्विटी का मीनिंग देखा, स्ट्रक्चरल चेंज का मीनिंग देखा। आई बात समझ में? एक बार आप फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बात करते हैं फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने बात करी कि सर ग्रोथ और डेवलपमेंट जिसको जनरली एक ही चीज़ मानी जाती है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? ग्रोथ और डेवलपमेंट रिलेटेड तो हैं, पर दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ग्रोथ सिर्फ ये बात करता है कि सर जीडीपी में जब राइज आएगा तो हम इकोनॉमी में बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है, और डेवलपमेंट बोलता है कि सर ग्रोथ तो होनी चाहिए पर ग्रोथ के साथ में दो चीज़ें और होनी चाहिए, पहला इक्विटी होनी चाहिए और सेकंड स्ट्रक्चरल चेंज भी आना चाहिए। अगर इकोनॉमी में सिर्फ ग्रोथ हो रही है पर इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम का, इसका मतलब अगर ये मान के चलो कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है, इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट हो रही है अगर वो सिर्फ रिच क्लास के लोगों को मिलेगी, जीडीपी में ग्रोथ तो दिखेगी पर इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजरली किसका है, अगर रिच क्लास का होगा तो इकोनॉमी के अंदर जो सोशल वेलफेयर वाली चीज़ है वो नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में जब ग्रोथ आए तो इक्विटी के साथ आए। इक्विटी के साथ आने का मतलब है कि इकोनॉमी में जब ग्रोथ हो तो ग्रोथ का बेनिफिट हर एक सेक्शन को मिलना चाहिए। इकोनॉमी के में जो रिच सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सभी में ग्रोथ के जो बेनिफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। सेकेंड हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज भी इकोनॉमी में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सर जब ग्रोथ हो रही है तो सिर्फ किसी एक सेक्टर की वजह से ग्रोथ आए। इकोनॉमी में तीनों सेक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो हम चाहते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करे हमारे जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में अभी बहुत कम है, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ हो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो धीरे धीरे क्या हो, इंक्रीज हो, और वहीं जो प्राइमरी सेक्टर का सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो। आई बात समझ में? ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस टॉपिक को एक बार वापस देखें। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट लगता है, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां जाके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।